नमस्कार, मैं हूं पवन शर्मा। आप देख रहे हैं एमपी तक। विवेक बंटी साहू मौजूद है। आइए जानते हैं कि एग्जिट पोल वो कैसे देखते हैं। जी नमस्ते पवन भाई। एग्जिट पोल जो आपका आया है, निश्चित तौर पर जो हम लोग जो फील्ड में काम कर रहे थे और जो हमें लग रहा था उससे मिलता जुलता है, लेकिन मुझे लगता है कि अभी भी कम है। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की 170 से ज़्यादा सीटें आएगी, क्योंकि जो गरीब कल्याण को लेकर के हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी की योजनाएं हैं, माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने गरीब कल्याण, जन कल्याण, हमारी लाडली बहनों की योजनाएं लाए, उसको लेकर के नीचे जनता इतने खुश है मध्य प्रदेश की भाजपा की सरकार से कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ में, और निश्चित तौर पर इस बार प्रचंड जीत मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की होने जा रही है। कुछ एग्जिट पोल टक्कर दिखा रहे हैं। वो एग्जिट पोल अब किस मानसिकता के हिसाब से दिखा रहे हैं, जो भाजपा को पीछे दिखा रहे हैं, हमने देखा कि पूरे चुनावी समर में और उसके पहले किस मानसिकता के साथ वो भाजपा विरोधी खबरें चलाते रहे हैं, और मुझे लगता है कि अभी भी उनका अंतिम प्रयास है कि वो ऐसा कुछ करके भाजपा का नुकसान कर दें, लेकिन मतदाताओं ने मत डाल चुका है। भारतीय जनता पार्टी प्रचंड जीत की ओर आगे बढ़ गई है, अब उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार बनाने जा रही है, ना सिर्फ सरकार बना रही है बल्कि प्रचंड बहुमतों के साथ भाजपा जीतने जा रही है। भाई साहब, छिंदवाड़ा सीट और जिले की सीट में क्या? देखिए, छिंदवाड़ा भी मध्य प्रदेश से अलग नहीं है, छिंदवाड़ा भी मध्य प्रदेश में शामिल है। इस बार निश्चित तौर पर छिंदवाड़ा इतिहास रचने जा रहा है, और कमलनाथ का आतंक, कमलनाथ का पैसा राज, कमलनाथ जी का गुंडा राज, कमलनाथ जी का माफिया राज, कमलनाथ जी का शराब माफियों के साथ गठबंधन, इस बार जनता उन सबको उखाड़ फेंकने जा रही है और छिंदवाड़े की सातों की सात सीट भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। विवेक बंटी साहू का कहना है कि सातों सीट जीतने जा रही है और मध्य प्रदेश में सरकार बना रही है। ये थे विवेक बंटी साहू, जो आप इन्हें देख रहे थे। मैं पवन शर्मा, एमपी तक, छिंदवाड़ा।